हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या श्योर शॉट क्वेश्चंस कह लीजिए। तो वो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर इस बार मैंने थोड़ा सा वापस लिया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी रिलीज़ कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस ऐसे कुछ हैं जो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो लेके आज के वीडियो में मैं आ गई हूँ। और देखते हैं वन बाय वन के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो माइक्रोब्स में आपको ध्यान देने होंगे। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ते समय, चैप्टर बहुत नन्ना मुन्ना सा छोटा सा है, लेकिन कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं बिकॉज देयर आर लॉट मेनी माइक्रोब्स एंड देयर सोर्सेस। तो बच्चे कंफ्यूज तो होते ही हैं कि कौन सा माइक्रोब से क्या बनता है एंड ऑल दैट, थोड़ा सा है ऐसा। तो देखते हैं वन बाय वन ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के हिसाब से आपको थोड़े देखने पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दैट वाई आर सम मॉलिक्यूल्स, ये रहा, वाई आर सम मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स। तो क्यों कुछ मॉलिक्यूल्स को बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है, और गिव टू एग्जाम्पल, ऐसे का आपको दो एग्जाम्पल देने हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर क्या लिखना होता है ये नहीं समझ पाते, दे डोंट राइट प्रॉपर आंसर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सम मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, क्यों बच्चों, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम माइक्रोब्स। ये बायो एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि माइक्रोब्स से डिराइव होते हैं, मतलब वो बनाते हैं इन प्रोडक्ट्स को, जैसे कि आपके जो हैं बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया से ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, या फिर फंगी हो गए, तो फंगी से ये सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, तो इसीलिए इनको बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाता है। देखो, अभी तक आपने जैसे पढ़ा था इंडस्ट्रियल या हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, तो माइक्रोब को यूज़ करके चीज़ें बनाई जा रही थी ना, लेकिन बायो एक्टिव मॉलिक्यूल इनकी मदद से ये वो प्रोडक्ट ये इनकी बॉडी मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनाते हैं, तो इसलिए इनको बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कहा गया है। दो एग्जाम्पल है, तो कोई भी दो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसके लिए। दो एग्जाम्पल आप ले लो, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम आ गया। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये क्या बनाता है, इसमें तो नाम से पता लग रहा है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो ये क्या बनाता है, ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइजर ले सकते हो, एसिटिक एसिड। अब मैंने बहुत ही रफली लिखा है बच्चों, आप ऐसा रफली लिख के मत आ जाना, ये तो मैं वैसे आपको समझा रही हूँ। एस्परजिलस नाइजर फॉर सिट्रिक एसिड, तो ये मैंने वैसे रफली लिखा है, आप लोगों को कैसे लिखना है, आप लोगों को लिखना है ये इस तरीके से, ठीक है। प्रॉपर आंसर लिखने के तरीके से बहुत फर्क पड़ता है, मैंने हमेशा सिखाया है कि आंसर एक तो क्लैरिटी से लिखना है और की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन था कि वाई आर सम मॉलिक्यूल्स कॉल्ड बायो एक्टिव, तो आंसर लिखना है सम मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बिकॉज माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज्ड इन देयर प्रोडक्शन, ये करके आपने ये अंडरलाइन कर दिया, तो उनकी नज़र ही यहाँ पर जाएगी ना, चेक करने वाले जो भी हमारे एग्जामिनर होंगे। उसके बाद सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर, ये आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हो, ये लिख दिया, जो आसानी से याद हो, जनरली इथेनॉल सैक्रोमाइसिस ये याद रह जाता है, तो कोई भी इन तीनों में से दो आप याद रख लो। क्लॉस्ट्रीडियम का ये ब्यूटाइलिकम, तो ब्यूट्रिक एसिड ये याद रह जाते हैं, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया इसका आंसर और लिखने के तरीके। साइंटिफिक नेम्स हैं ये, अंडरलाइन कर लेना सेपरेटली, क्योंकि जब प्रिंट होते हैं तो इटैलिक्स में होते हैं, लेकिन जब आप हाथ से लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करना, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था तो मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया है, तो ऐसे आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ट्वेल्थ में आ गए तो ये नहीं कि टैक्सोनॉमी भूल जाओ, ठीक है, रूल्स आर रूल्स एवरीवेयर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन आर गिवन क्लॉट बस्टर्स, है ना, आर गिवन क्लॉट बस्टर्स, मेंशन द क्लॉट बस्टर एडमिनिस्टर्ड एंड इट्स माइक्रोबियल सोर्स. तो कौन सा क्लॉट बस्टर दिया जाता है बच्चों? क्लॉट बस्टर का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस. अब आंसर लिखते समय वही है आंसर किया, ए ऑप्शन किया, और पूछ रहा है ना ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो नहीं, मेंशन द क्लॉट बस्टर. तो आप ऐसे कर सकते हो, क्लॉट बस्टर लिखा, क्लॉट बस्टर एडमिनिस्टर्ड यू करके स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये तो हो गया क्लॉट बस्टर का नाम, और यहीं पे लिख सकते हो एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकॉकस. ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो. तो ये क्लैरिटी आ गई. तो आपका क्लॉट बस्टर एडमिनिस्टर्ड भी हो गया और माइक्रोबियल सोर्स भी हमने लिख दिया. अब दूसरा पूछ रहा है कि अ पर्सन रिकवरेटिंग फ्रॉम इलनेस इज एडवाइज टू हैव कर्ड रेगुलरली. एक कोई बीमारी से वो हो रहा है रिकवरेटिंग, यानी कि बीमारी से वो अब ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जब अपनी इलनेस को फाइट कर रहे हैं, तो उनको कर्ड रेगुलरली लेने को दिया जाता है. वाई? तो आपको यहाँ पर बोलना है बी ऑप्शन लगाया. और कर्ड में, कर्ड के क्या फ़ायदे हैं? एक तो इट इज़ रिच इन विटामिन B12, और दूसरा चेक्स द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. जो दूसरे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को चेक करता है, राइट, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो सिंस ये उनकी ग्रोथ को चेक करता है तो इट इज़ वेरी गुड. यही दो फायदे बुक में भी लिखे हुए हैं. तो बीमारी वाले जो लोग हैं, जो बीमारी से उबर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद होता है. और यही आपको आंसर में भी यहाँ लिखना है, एज यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द आंसर एज वेल. कि स्ट्रेप्टोकॉकस मैंने जैसे लिखवाया था, माइक्रोबियल सोर्स आपका स्ट्रेप्टोकॉकस हो गया और क्लॉट बस्टर का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेस. देन कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जो दूसरा ऑप्शन था, विच प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंड ऑल्सो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ वाइटमिन B12. तो ऐसे करके आप ये आंसर लिख दो, आराम से डन हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे क्लैरिटी से लिखना और अंडरलाइन कर देना सेपरेटली. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों. What are methanogen and what role they play? Name the animals they are present in and what role they play. अच्छा, अभी जो मैंने questions करवाए थे, जैसे कि जो पहला question था जहाँ पे bioactive क्यों कहा जाता है, give two example, दो number का था. इसके बाद में आपने अभी करा, कौन सा करा था भाई? ये वाला था. हाँ, ये भी दो number का है बच्चों. ठीक है, दो से तीन नंबर का हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आधा आधा तो ये हो जाएगा और कर्ड के दो फायदे, तो 3 marks के हो सकते हैं. यहाँ पर भी ये दो नंबर का है. मिथेनोजेन, दे आर मिथेन वाले बैक्टीरिया हैं. ठीक है, मतलब सेलुलोज को डाइजेस्ट करके मिथेन बनाते हैं ना, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कैटल्स में, उनके र्यूमेन में. तो और वॉट रोल दे प्ले देयर, तो कन्वर्ट सेलुलोस और फिर मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. तो वही आपके आंसर में भी लिखा हुआ है कि मेथानोजेंस आर द बैक्टीरिया जो सेलुलोसिक मटेरियल पे एनेरोबिकली फीड करते हैं. ये जैसे यहाँ लिखा है कि दे फीड एनेरोबिकली ऑन सेलुलोसिक मटेरियल, ये अंडरलाइन हो जाना चाहिए. कहाँ प्रेजेंट है? र्यूमेन ऑफ कैटल्स. ठीक है, एंड दीज बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोस एंड थर्स हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल. तो ये आपको आंसर प्रॉपर यही लिखना है. तो ऐसे आंसर अगर आप लिखेंगे बच्चों, देन ओनली प्रॉपर मार्किंग, प्रॉपर नंबरिंग हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी. ध्यान रखना, तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि मिथेनोजेन क्या है? तो वो बैक्टीरिया जो एनेरोबिकली सेलुलोस को डाइजेस्ट करते हैं.
कहाँ प्रेजेंट है? रूमेन ऑफ कैटल। क्या करते हैं? तो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हेल्प करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा और की पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, ऐसे क्लैरिटी से लिखेंगे, क्योंकि अब देखो इसमें ए बी सी था नहीं तो भी इन्होंने थ्री पॉइंट्स में ऐसे लिखे हुए हैं आंसर, तो क्लैरिटी आ गई ना। मेन है एग्जामिनर को चीज़ें आसानी से दिख जाएं, ये हमारा एम होना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो इसीलिए जितनी क्लैरिटी मेंटेन करोगे, जितना खुल के नीचली लिखेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है? सो ये कुछ क्वेश्चंस थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के। आई होप यू अंडरस्टूड दैट द क्वेश्चंस रिमेन लाइक दिस ओनली। 1 or 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे इनको हैंडल करना है सब सिखाया है, तो बस क्रैक करो बोर्ड एग्जाम, इससे ज़्यादा तो क्या ही बोले। वी एक्सपेक्ट दैट यू जस्ट कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, एंड ऑन दिस नोट इट्स अ गुड बाय। यू ऑल टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।